कहाँ जा रहे हो? आपकी दुनिया से दूर। क्यों? क्योंकि मैंने आपके प्यार का, आपकी वफा का नाजायज फायदा उठाया है। मुझे आपकी पत्नी कहने का कोई हक नहीं बनता। सही कह रही हो तुम, तुम्हें पत्नी कहलाने का कोई हक नहीं है। पत्नी वो होती है जो पति को अपना जीवन साथी मानती है, उससे अपना दुख जाहिर करती है, उस पर भरोसा करती है। लेकिन तुमने ऐसा कभी नहीं किया, तुमने मुझ पर भरोसा ही नहीं किया, कभी अपना दुख जाहिर नहीं किया। अगर तुम मुझे पति मानती तो अपनी गुजरी जिंदगी के बारे में बताकर तुम मेरा दिल जीत लेती। मतलब यह कि तुमने मुझे जाना ही नहीं, समझा ही नहीं, तुम मेरे दिल को कभी समझ नहीं पाई। अगर समझती होती तो मुझे अपने बारे में सब कुछ बताकर मेरा विश्वास जीत लेती। मुझे लगता है कि मुझ में ही कोई कमी रह गई जो मैं तुम्हारा भरोसा नहीं जीत सका, तुम्हारा प्यार नहीं पा सका। हाँ देवी, हर इंसान जिंदगी में एक बार प्यार करता है। हो सकता है उस वक्त मैं तुम्हें मिला होता तो तुम मुझसे प्यार कर बैठती, लेकिन मैं तुम्हें नहीं मिला तो गलती तो मेरी ही हुई ना। मतलब? पगले, ये सुनकर तो मेरी नजरों में तुम्हारी इज्जत और भी बढ़ गई। अरे तुम्हारी जिंदगी में इतना बड़ा हादसा हुआ, लेकिन तुमने मुझ पर, बच्चों पर और इस घर पर वो साया कभी नहीं पड़ने दिया, इस घर को टूटने नहीं दिया। अपनी गुजरी हुई जिंदगी को तुमने अपने तक ही रखा। देवयानी, तुम औरत नहीं हो, देवी हो। प्लीज मुझे शर्मिंदा मत करिए, मैं देवी नहीं, आप देवता है। मेरी जिंदगी की बुराई को आपने अच्छाई में बदलकर मुझे एक नई जिंदगी दी है अरुण। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं उतार पाऊंगी। उतार सकती हो यह एहसान, इस राज को राज ही रखकर। घर के किसी भी मेंबर को ये बात पता नहीं लगनी चाहिए। लेकिन पायल, आरती और वो सब लोग? जो लोग जानते हैं वो अनजान बन जाएंगे। बस तुम सब कुछ भूल जाने का वादा करो। ठीक है, मैं वादा करती हूँ कि मैं सब कुछ भूल जाऊंगी, घर वालों को कुछ नहीं कहूंगी। ये हुई ना बात। अब तुम ये सोचो कि आज ही हमारी शादी हुई है और अब हम बहुत जल्दी हनीमून के लिए जाने वाले हैं। कैसी बातें करती? क्यों?